हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, तो सर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में जी हमने पढ़ाई करी थी कम्युनिकेशन चैप्टर का लास्ट। इसमें हमने एडिशनल टॉपिक देखा था क्या? लिसनिंग और उसके टाइप्स। हाँ जी, और उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन की जो हमारा यूनिट है पेपर वन का, उसका टोटल का टोटल लेक्चर हो गया जी कंप्लीट। मतलब लास्ट हमने 20 वीडियोस कंप्लीट किए कम्युनिकेशन के, और उससे मेरी कम्युनिकेशन क्या हो गई? पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। तो सर आज क्या शुरू करेंगे? आज जी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेपर वन की एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। पहले उसको समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितना सिलेबस है, क्या है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर, ज्यादा लेट ना करते हुए। आइए जी देखिए, तो आइए जी पहले आपको मैं दिखाता हूं कुछ चीजें। ये देखिए, हाँ ये तो हमारा लोगो है, ये तो आप देखते ही रहते हैं। देखिएगा जी, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स में क्या करता हूँ, नेट वाला भैया ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे चैनल, उस पे मैं सेंड करते रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है। नहीं, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैंने टीचिंग के एप्टीट्यूड को 7 चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर, एक एक करके आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, टीचिंग पहला जो चैप्टर है आपका वो है टीचिंग और टीचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विद ऑल मॉडल्स। अब देखिएगा जी, टीचिंग क्या होता है ना, एजुकेशन क्या है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड क्या क्या चीज होता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना, एम्स ऑफ टीचिंग, पर्पस, सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और प्लस कम से कम 20 मॉडल्स हैं टीचिंग के, वो सारा मैंने इसमें डाल के रखा है, और एक एक करके हम सारे मॉडल्स पढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कोई चीज छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर कुछ छोड़ा होगा तो उसके लिए हमने चैप्टर 7 दे रखा है एडिशनल टॉपिक, उसमें अपन ऐड कर लेंगे। दूसरा जी है लर्निंग एंड लर्नर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विद ऑल मॉडल्स। इसमें भी लर्नर के भी मॉडल्स है 15-20, वो भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। फैक्टर अफेक्टिंग इन टीचिंग, टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं, उसके डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग, कि कौन कौन सा मेथड से टीचिंग कराया जाता है, कितने तरह की टीचिंग होती है, उसका भी चर्चा हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है ये भी, और जब एक टीचर सारा काम कर लेता है, स्टूडेंट्स को लर्निंग भी दे देता है, तो वो करता है इवैल्यूएशन, और उस इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में बचा है जी एडिशनल टॉपिक, अगर कुछ भी चीजें ऊपर छूट गई हो तो उस एडिशनल टॉपिक चैप्टर 7 में हम क्या करेंगे, उसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। चलिए, मतलब आपका कुछ छूटेगा नहीं, मैं इसकी एश्योरिटी देता हूँ। कुछ भी टॉपिक मुझे लगेगा कि हाँ भाई साहब ये पढ़ाना चाहिए, मैं इसको एडिशनल टॉपिक में ऐड कर दूंगा, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी जी फुल। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या, कि रात को 8 बजे पेपर 1 की वीडियोस डेली आती हैं, आप उसको जाके देखें, और पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोस 9 बजे आती हैं, आप जाके देखें, आपको अच्छा लगेगा। चलिए बाकी आपको क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। चलिए जी, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं टीचिंग के पहले क्लास की ओर, और देखते हैं। देखिए, इतना पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगी जी सक्सेस। चलिए अब चलते हैं जी टीचिंग एंड टीचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, टीचिंग और टीचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मतलब टीचिंग कहीं ना कहीं किससे है, एजुकेशन से रिलेटेड है। नहीं, क्यों? क्योंकि टीचिंग लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बहुत तरह की हो सकती है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप अपने आसपास के एनवायरमेंट में या आप कहीं से भी कुछ लर्निंग ले रहे हो, किसी भी तरह की लर्निंग, वो क्या है, वो एजुकेशन है जी, है ना। जैसे अगर मैं कहूं आप बाहर टहलते टहलते किसी बुजुर्ग इंसान है, वो जा रहे थे और आपने देखा कि कोई गाड़ी आ रही है, उसको थोड़ा साइड कर दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि आपके वजह से एजुकेशन है आपकी हुई है, कि आपने उनके बारे में अच्छा सोचा। अगर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और आपका रिजल्ट आ गया नहीं, तो वो भी क्या है, वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, जिससे आपको खुशी मिले नहीं। और जितने भी अच्छी चीजें आसपास आप कहीं से सीखते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग बोलते हैं जी एजुकेशन। तो टीचिंग और टीचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं जी एजुकेशन। अब एजुकेशन को भी डिवाइड किया गया है कितने तरीके में, एक को बोलता है जी फॉर्मल एजुकेशन, एक को बोलता है जी इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरे को बोलता है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहां आप
एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रहे होते हैं या वहां से लर्निंग्स ले रहे होते हैं। जैसे स्कूल का ये वाला जो एजुकेशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन होता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। लेकिन जैसे ही आप इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है जी, तो सर ऐसा एजुकेशन जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो हम अपने रिश्तेदार से लेते हैं, जो आसपास के एनवायरमेंट से सीखते हैं, उसको बोलते हैं जी इनफॉर्मल एजुकेशन। और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। जैसे डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स करते हैं ना, उससे सीखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। चलिए आइए एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि एजुकेशन क्या होता है। देखिएगा ये लीजिए जी, कह रहा है टू अंडरस्टैंड द टीचिंग इफेक्टिवली, क्या करना है टीचिंग को इफेक्टिव तरीके से समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द एजुकेशन फर्स्ट। सबसे पहले किसको हमको समझना है, एजुकेशन को समझना है जी, नहीं हाँ जी। कह रहा है द वर्ड एजुकेशन हैज डीप मीनिंग, एजुकेशन का क्या है बहुत ही डीप मीनिंग है, एंड इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन एग्जैक्ट टर्म्स। बोटा इसको डिफाइन करना कि भाई एजुकेशन क्या है, ये बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफदायी है, मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, नहीं तो उसको डिफाइन करना मुश्किल है। बट क्या बोल रहा है, इट इज द की टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। बोल रहा है क्या है, यह एक चाबी है किसकी, कि जो भी हमारी सोसाइटी में अच्छा हो रहा है, हमारे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में अच्छा हो रहा है, उसका क्या है की है, है ना, चाबी है। तो मतलब सीधा सीधी अगर इसको कहें तो जो भी अच्छी चीजें हमारे आसपास हमारे देश में हमारे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जी एजुकेशन बोलेंगे। आइए चलते हैं एजुकेशन क्या बोल रहा है, कह रहा है एजुकेशन इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। क्या बोल रहा है जी कि एजुकेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसपे क्या हो रहा है, जो ह्यूमन में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है, कुछ बदलाव लेके आ रहा है, यही तो एजुकेशन है। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था और कल हमने क्या सीखा था, आज उससे ज्यादा अगर सीख रहे हैं तो उसी को तो हम एजुकेशन बोलते हैं, नहीं हाँ जी सर उसी को एजुकेशन बोलते हैं। कहता है ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर, बिहेवियर और ह्यूमन लाइफ दोनों को क्या बदल रहा है। जैसे कल अगर आप किसी के साथ गुस्सा कर रहे थे और आज आप कुछ उस गुस्से से सीखे और आज सबके सामने आप साथ आपने पोलाइटली बिहेव करना शुरू कर दिया तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी एजुकेशन। कह रहा है एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू लर्निंग एंड इम्पार्टिंग थ्रू टीचिंग और दी अदर प्रैक्टिकल प्रोसेस। बोल रहा है कि एजुकेशन को डिफाइन कैसे, एक्वायर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं अपने अंदर लेते हैं थ्रू लर्निंग, कैसे लर्निंग के थ्रू। अभी मैंने बोला था कि जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग एजुकेशन। और बोला या इम्पार्टिंग थ्रू टीचिंग और अदर प्रैक्टिकल प्रोसेस। बोल रहा है टीचिंग के थ्रू इम्पार्ट करते हैं या किसी अदर प्रैक्टिकल पर्पस के प्रोसेस के थ्रू भी हम अगर कोई लर्निंग ले रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी एजुकेशन। कह रहा है एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट नेचुरल एंड लास्टिंग चेंजेस इन इंडिविजुअल्स वे ऑफ थिंकिंग एंड एबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। बोल रहा है एजुकेशन चेंजेस लाता है जी, किसमें नेचुरली और लास्टिंग चेंजेस, किसके बेसिस पे भाई, इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग में, आपकी पर्सनल थिंकिंग को भी एजुकेशन चेंज करता है, किसके लिए डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। आप जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए आपको एजुकेशन बहुत मदद करता है। कह रहा है इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू एग्जामिन योर थॉट्स एंड आइडियाज एंड द प्रिपेयर्स यू टू द एक्सप्रेस देम इन अ डिफरेंट वेज। कहता है क्या कर रहा है ये कह रहा है कि आपको इजियर करता है कि एग्जामिन करने में, कि भाई साहब आपका थॉट्स क्या है, आपका आइडियाज क्या है, और आपको प्रिपेयर करता है, आपको तैयार करता है कि आप उस थॉट उस चीज को जो लर्न किए हैं उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, नहीं हाँ उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे आज मैंने पहले टीचिंग पढ़ा होगा, मैं समझा होऊंगा,
तब मैं आज जाके आपको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं जी, एजुकेशन बोलते हैं। कहता है इट इज द मेन थिंग दैट इनकरेज अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिकॉज वी कैन नॉट डू व्हाट वी नीड टू डू एंड अचीव आवर गोल्स। देखिएगा जी, बोल रहा है कि ये हमें क्या कहता है, इनकरेज करता है कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है ये डिटरमाइन करने में, बोल रहा है क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकते, जो हम लोग को जरूरत होती है हम लोग वो नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं दूसरा चीज करने लग जाते हैं, हमारे डिजायर्ड गोल होते हैं जो अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते, हम क्या करते हैं दूसरी दुनिया में भटकते रह जाते हैं। एग्जाम्पल लूं बहुत अच्छे तरीके से, हाँ सर, तो ऐसा है कि आपको भी पढ़ना चाहिए क्या, यूजीसी एग्जाम है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन अभी भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, यकीन मानो आप वेस्ट कर रहे होगे, ठीक है, चाहे आप एक घंटा ही कर रहे होगे लेकिन कर रहे होगे, तो क्या आपकी इससे डिजायर्ड गोल अचीव होंगी, नहीं होंगी सर, कभी नहीं होंगी। अगर आपने अभी के टाइम में टाइम वेस्टेज नहीं करा तो आपका डिजायर्ड गोल अचीव होगा, जी सर बिल्कुल होगा। तो आप अपने डिजायर्ड गोल और अचीवमेंट को कैसे देखेंगे, जब आपकी एजुकेशन अच्छी तरीके से होगी, नहीं आप अपने थॉट्स को उस तरह से मेंटेन करेंगे कि नहीं भाई आज मुझे ये कर लेना है, छह महीने बाद में मैं क्या करूंगा या दो महीने बाद में क्या करूंगा, जब रिजल्ट्स आएंगी तो मैं खुशी के साथ फेसबुक पे लगाऊंगा, इंस्टा पे लगाऊंगा, टेलीग्राम पे लगाऊंगा। तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन कि आपकी थॉट्स क्या हो रही है उस हिसाब से काम कर रही है, नहीं, हाँ जी सर। कहता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दिया, देखिएगा, कह रहा है इफ अ पर्सन वियर हेलमेट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स दिस इज एन एजुकेशन। अगर कोई पर्सन हेलमेट पहन रहा है किसके लिए, कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक एजुकेशन है। कह रहा अ पर्सन नोज हाउ टू बिहेव विद अदर्स इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। बोल रहा भाई साहब एक आदमी है, एक इंसान है, वो जानता है कि सामने वाले से कैसे बिहेव करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, उसको भी हम एक टाइप का एजुकेशन बोलेंगे। और इफ अ स्टूडेंट गेट टॉप रैंक इन द क्लास इज ऑल्सो टाइप ऑफ एजुकेशन। अगर कोई एक बंदा जो है वो क्लास में टॉप भी करता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, अ टाइप ऑफ एजुकेशन। आइएगा जी नेक्स्ट, बोल रहा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या, कितने टाइप के होते हैं जी, देखते हैं। कहता है एजुकेशन गोज बियॉन्ड दैट व्हाट टेक्स प्लेस इन द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, ठीक है। कहता है चाइल्ड गेट्स एजुकेशन फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस आउटसाइड द स्कूल एज वेल एज फ्रॉम दी दोज विद इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन नेमली फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ईच ऑफ दीज टाइप्स इज डिस्कस्ड बिलो। बोल रहा है तीन तरह की एजुकेशन होती है और बच्चा कभी कभी अपने से भी सीखता है ना, उसके अलावा तीन तरह की एजुकेशन होती है, क्या क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। चलिए चलते हैं फॉर्मल एजुकेशन पे, क्या कह रहा है फॉर्मल एजुकेशन, नहीं तो देखते हैं। बोला फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है जी, फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज वाला एजुकेशन होता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। कह रहा है देखिए, कह रहा है फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल, कहाँ जी स्कूल, वेयर अ पर्सन मे लर्न बेसिक एकेडमिक और ट्रेड स्किल्स। कहाँ क्या क्या सीखता है जी, बेसिक लर्निंग सीखता है, एकेडमिक और ट्रेड स्किल सीखता है। कह रहा है स्मॉल चिल्ड्रेन ऑफन अटेंड अस नर्सरी और किंडरगार्टन बट द ऑफन फॉर्मल एजुकेशन बिगिंस इन द एलिमेंट्री स्कूल एंड द कंटिन्यूज विद द सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल। बोल रहा है भाई साहब ये तो देखिए, बच्चा लोग तो किंडरगार्टन और नर्सरी जाता है लेकिन ऑफिशियल जो होता है, जो फॉर्मल एजुकेशन शुरू होता है वो एलिमेंट्री स्कूल से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, सेकेंडरी स्कूल तक जाता है, पोस्ट सेकेंडरी पोस्ट। अब बोल रहा है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन इज यूजुअली एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच में ग्रांट एन एकेडमिक डिग्री। जो उसके बाद का एजुकेशन क्या है, वही पीजी। देखिए बात सिंपल सा है, फॉर्मल एजुकेशन मतलब वही जो हम लोग एजुकेशन लिए टेंथ तक ट्वेल्थ तक, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए और हमें वहाँ क्या मिला, डिग्री मिला। कह रहा है इट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक और स्टेज इज प्रोवाइडेड अंडर द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बोल रहा है किसके साथ एसोसिएटेड है जी, स्पेसिफिक स्टेज होना चाहिए के साथ, जो प्रोवाइड क्या करता है सर्टेन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। बोल रहा है यहाँ रूल्स और रेगुलेशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। द फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय द स्पेसिफिकली क्वालिफाइड टीचर्स, दे आर सपोज टू बी इफिशियंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
कहता है इट ऑल्सो ऑब्जर्व इंस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन द स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एंगेज देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। बोल रहा है यहाँ स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो इफिशियंट होते हैं आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कैसे उसको इंस्ट्रक्ट करना है ये चीज जानने के लिए, और वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करवाते हैं। इससे क्या होता है टीचर और बोथ दोनों अपने अपने फैक्ट से अवेयर रहते हैं और जानकारी दे पाते हैं। कह रहा है कि उसके बाद क्या जी इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इसको देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन को बोलेंगे जी पेरेंट्स एजुकेशन, जो हमें पापा मम्मी या अपने कोई गार्जियन शिक्षा देते हैं। कह रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन में बी द पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील, राइड अ बाइसाइकिल, देखिए कैसे खाना बनाते हैं, बाइसाइकिल कैसे चलाते हैं, ये सब क्या फॉर्मल एजुकेशन पेरेंट टीचिंग जिसको बेसिकली बोलते हैं। कह रहा है पीपुल कैन ऑल्सो गेट इनफॉर्मल एजुकेशन बाय रीडिंग मैनी बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी एजुकेशनल वेबसाइट। बोल रहा है अगर आप किसी वेबसाइट से या फिर बुक्स को पढ़ते हैं अच्छी अच्छी और उससे नॉलेज अटेन करते हैं तो क्या होता है उसको भी बोलते हैं जी इनफॉर्मल एजुकेशन। कह रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन इज व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग इन ए स्कूल और एंड डू नॉट यूज एनी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड। इनफॉर्मल एजुकेशन में वो सारा एजुकेशन आ जाता है जिसमें आप पर्टिकुलरली स्कूल वगैरह में नहीं जाते हो और कोई लर्निंग मेथड यूज नहीं करते हो। कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कॉन्शियस एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व, इन्वॉल्व नहीं है जी। कहता है इट इज नाइदर प्री प्लान नॉर डेलिबरेट, इट मे बी लर्न एट सम मार्केट प्लेस, कहीं भी सीखा जाता है, सीखा जा सकता है इनफॉर्मल एजुकेशन, मार्केट प्लेस में, होटल में, घर में, कहीं भी। कह रहा है अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट इम्पार्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल और कॉलेज, इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू एनी फिक्स्ड टाइम टेबल, देर इज नो ए सेट करिकुलम रिक्वायर्ड, इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्चुअली लिविंग इन द फैमिली और कमेटी। बोला देखिए जैसे जैसा फॉर्मल एजुकेशन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, ऐसा कहीं ऐसा इनफॉर्मल में नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से सीखा जा सकता है, उसके लिए कोई करिकुलम डिसाइड नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई आपका आपके पास कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, वो फैमिली और जो हमारे गार्जियन हैं उनसे हम सीख सकते हैं। नहीं आइए जी उसके बाद है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या कहता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कह रहा है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन को। आइए देखते हैं, कह रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स अडल्ट बेसिक एजुकेशन, है ना, अडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन समवन हु इज नॉट स्कूल कैन लर्न लिटरेसी अदर बेसिक स्किल्स और जॉब। बोल रहा भाई साहब ये वो स्किल है जहाँ जब आप स्कूल नहीं जाते हो लेकिन उससे डिग्री जरूर मिल जाती है, ठीक है, घर में बैठे बैठे आपको सिर्फ एग्जाम देने जाता हो, उसको क्या बोलते हैं जी डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं या नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल रहे हैं। कह रहा है होम एजुकेशन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोग्राम लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आर दी पॉसिबिलिटीज। ये क्या है ये मेथड, इस मेथड के थ्रू अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली एंड सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। कह रहा है इट शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर अ होमोजेनियस ग्रुप, सेम लेवल के ग्रुप के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप एंड दिस विल नेसेसिएट फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन ऑफ करिकुलम एंड द स्कीम ऑफ इवेल्युएशन। देखिए जी ये तो हो गया जी क्या को बोलते हैं जी हम लोग एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, है ना, और टीचिंग रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं कि जैसे कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शन है, नहीं इस तरह के जो वर्ड्स हैं टीचिंग रिलेटेड उसको हम कैसे डील करते हैं, आइए नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।